हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त एसआरके राज और आप देख रहे हैं एसआरके वीडियो मिक्सिंग पॉइंट, जहां पे मैं लाता रहता हूं वीडियो मिक्सिंग से रिलेटेड प्रोजेक्ट और वीडियो मिक्सिंग के ट्यूटोरियल। तो दोस्तों, आज एक ट्यूटोरियल है और यहां पे मैं टेक्नोलॉजी से ज्ञान भी लाता हूं। तो ट्यूटोरियल क्या है दोस्तों? ट्यूटोरियल आपको कलर कलेक्शन है, ठीक है। कलर किस प्रकार से, कलर बैलेंस किस प्रकार से करें, ये देखिए यहाँ पर कितना साफ दिखाई दे रहा है, ठीक है। अगर आप ये देखिए, ये फुटेज देखिए, ये यहाँ पे हमारा कितना मध्यम दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो आज मैं इसी के बारे में बात करने वाला हूँ दोस्तों। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में दबा दीजिए बेल के आइकन को, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ ट्यूटोरियल या प्रोजेक्ट से रिलेटेड या कोई टेक्नोलॉजी से जुड़ी ज्ञान या यूट्यूब की कोई जानकारी हो तो आपको सबसे पहले मिल जाए। दोस्तों, चलिए वीडियो का स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको आप सिखाता हूँ कि यहाँ पे किस प्रकार से आपको कलर बैलेंस करना है, ठीक है। तो चलिए आज मैं आप लोगों को ये सिखा ही देता हूँ। बहुत से लोग मुझे कमेंट किए थे आप यहाँ पे कमेंट सेक्शन, बहुत से लोग हैं, रोहित है, श्रीकांत है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कलर कलेक्शन के बारे में जानना चाहते थे, कलर बैलेंस के बारे में जानना चाहते थे। तो चलिए आज मैं उन्हीं के एक वीडियो बना दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पे जो सिंपल है, बहुत ही अच्छा था। तो आपको किस प्रकार से कलर बैलेंस करना है, इस प्रकार से इसमें कलर बैलेंस आपको बहुत सारे टाइप के रहते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर दो टाइप ऐसे होते हैं, एक थ्री कलर कलेक्शन और एक सिर्फ कलर बैलेंस होता है। तो ये दो चीज़ हम सीख जाइएगा तो आप बहुत सारे कलर बैलेंस कर सकते हो। तो थ्री कलर बैलेंस जो है, जो बहुत ही हार्ड है, तो मैं बाद में सिखाने वाला हूँ। तो ये देखिए, ये कलर कलेक्शन है, कलर बैलेंस। तो इसमें देखिए मैंने यहाँ पर उपयोग नहीं किया हुआ हूँ, ठीक है। तो चलिए इस पर उपयोग करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको जाना है इफेक्ट पैनल पर। इफेक्ट में जाने के बाद आपको देखिए यहाँ पर सिंपली, यहाँ पे देखिए इस प्रकार से रहेगा। यहाँ पे तो मैंने यहाँ पे ऑन करके पहले से रखा हुआ है। देखिए आपको इस प्रकार से इफेक्ट आपको दिखाई देगा। देखिए इस प्रकार से आपको इफेक्ट रहेगा, तो आप यहाँ पे इफेक्ट पर क्लिक कीजिएगा, ठीक है। इफेक्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे वीडियो फिल्टर आप लोग को दिखाई देगा। वीडियो फिल्टर के प्लस पर यहाँ पे आइकन पर क्लिक कीजिएगा तो आपको कलर कलेक्शन का यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा, कलर कलेक्शन। यहाँ पे देखिए आपको कलर बैलेंस और यहाँ पे कलर थ्री बैक कलर यहाँ पे है। थ्री बैक कलर यानी कि थ्री टाइप के यहाँ पे कलर से आप कलर बैलेंस कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे ये हल्का मानो तो ये तरह से एक आसान भी है, नहीं तो मानो तो आपको ये हार्ड भी पड़ेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कलर बैलेंस, जो कलर बैलेंस होता है, ये कलर बैलेंस आज हम लोग सीखने वाले हैं। तो थ्री वे कलर कलेक्शन सीखना चाहते हैं तो वह मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, लेकिन अभी नहीं बताऊंगा, ठीक है। तो मैं अभी इस पे बता देता हूँ, ठीक है, जो यहाँ पे कलर बैलेंस है, ठीक है। तो इस कलर बैलेंस को मैं यहाँ पे आपको उपयोग करके दिखाता हूँ। देखिए सबसे पहले अपना फुटेज पे कलर बैलेंस ला करके रख दीजिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे कलर बैलेंस ला करके रख दिया। उसके बाद आपको देखिए यहाँ पे कलर बैलेंस पे जाना है। यहाँ पे देखिए आपको कलर बैलेंस पर डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक कीजिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस प्रकार से आ जाएगा आपको इन्फॉर्मेशन में। तो आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन पे यहाँ पे देखिए आपको डबल क्लिक करना है कलर बैलेंस पर। उसके बाद आपको क्या करना है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको यहाँ पे क्रोमा दिख देता है, यहाँ पे ऑप्शन, ठीक है। यहाँ पे क्रोमा, तो यहाँ पे ब्राइटनेस, क्रोमा, ग्रे, फिर यहाँ पे येल्लो, यहाँ पे सारे चीज़ें हैं। तो आपको सबसे पहले क्रेन के यहाँ पे सबसे हल्का सा आगे इसको बढ़ाना है, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे हल्का कंट्रास्ट के यहाँ पे बढ़ा दीजिए, कंट्रास्ट हल्का बढ़ा दीजिए। इसके बाद अपने हिसाब से जो भी आपका फुटेज हो, अगर आपको अंधेला में ज़्यादा फुटेज हो तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे इसको एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हल्का इसको क्रोमा को यहाँ पे जीरो कर दीजिए। अगर ज़्यादा जीरो कर दीजिएगा तो देखिए ब्लैक एंड वाइट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अपने हिसाब से यहाँ पे हल्के से यहाँ पे कलर कलेक्शन करना है, तो अपने हिसाब से देखिए एडजस्ट करना है, एडजस्ट करने हैं, ठीक है। एडजस्ट कर लीजिए अपने हिसाब से। देखिए यहाँ पे मैं यहाँ पे एडजस्ट कर लेता हूँ अपने हिसाब से। आप भी यहाँ पे इसी प्रकार से कीजिएगा ताकि आपको समझ में आ जाए, कम बेसी पहले आप सीख लीजिए बढ़िया तरीके से ताकि आपको समझ में आ जाए। फिर उसके बाद देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारा जो लाल कलर का हल्का हरा कलर का वो बहुत ही कम है, तो इसको हम यहाँ पे मेकअप करेंगे। यहाँ पे आपको देखना है कि वहाँ पे कौन सा रंग वहाँ पे कम रहा है, तो आपको यहाँ पे उसे ऐड करना है। अगर आपको ज़्यादा पिक्चर धुंधला है तो धुंधला को वाइट करना चाहते हैं तो इसी प्रकार से करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हल्का इसको हम लोग को साफ करना है। तो यहाँ पे देखिए इसको हम यहाँ पे हल्का इसको माइनस कर देंगे और इसको हम लोग हल्का हल्का प्लस करेंगे। अगर ज़्यादा प्लस कर देंगे तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे शाइनिंग है जो चेंजिंग हो जाएगा। यहाँ पे देखिए शर्ट का जो चेंजिंग है, शाइनिंग है, यहाँ पे जो सेहरा बांधा हुआ टोपी उसका भी हमारा शाइनिंग खत्म हो जाएगा। ज़्यादा हो जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। तो हम लोग यहाँ पे एडजस्ट देखिए यहाँ पे देख के आपको करना है। देखिए आप देख रहे हैं कि शाइनिंग हल्का बढ़ गया यहाँ पे उसका। देखिए यहाँ पे उसका जो पहना हुआ है वो उसका पे भी शाइनिंग बढ़ गया, आपको उसका चेहरा पे भी शाइनिंग बढ़ गया, जो आपको सेहरा बांधा हुआ है उस पर भी से अच्छा सा हो गया, ठीक है। तो ये देखिए इससे पहले वाला से यहाँ पे बेटर हुआ है। यहाँ पे देख लीजिए
पहले वाला देखिए ये था और ये अभी ये अबर वाला है। तो आप इस प्रकार से अपने कलर बैलेंस कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप कलर बैलेंस कर सकते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पे एक और कलर बैलेंस करके दिखा देता हूँ। तो चलिए यहाँ पे एक और मैं फुटेज यहाँ पे ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखिए फिर से कलर बैलेंस यहाँ पे ला करके यहाँ पे रख देंगे, ठीक है। यहाँ पे इस पर रख देंगे, उसके बाद यहाँ पे जाना है कलर बैलेंस को ओपन कर लेना। उसके बाद फिर से यहाँ पे देखिए अगर आपको सीधे ब्लैक एंड व्हाइट बनाना है तो इसको खाली क्रोमा को आप जीरो कर दीजिए तो यहाँ पे ब्लैक एंड व्हाइट हो जाएगा, ठीक है। अब बहुत से लोग होता है कि सर मुझे काला करना है, ब्लैक एंड व्हाइट करना है, किस प्रकार से करें, बहुत सारे कमेंट करते हैं। देखिए आप सिंपली इस प्रकार से कर सकते हैं। अगर आपको सिर्फ रेड चाहिए तो आप रेड को बढ़ा दीजिए, ड्यूरेशन को, तो आप सिर्फ ये रेड बढ़ेगा। फिर यहाँ पे देखिए यहाँ पे जैसा आप करना चाहते हो कलर बैलेंस चेंज कर सकते हो। जैसा भी आपको रंग हो आप उसे चेंज कर सकते हो बहुत ही आसानी से। लेकिन जो लोग वीडियो नहीं देखते वो नहीं समझ पाते हैं, ठीक है। तो अब मैं आपको बता देता हूँ। फिर उसके बाद देखिए आपको यहाँ पे मैनेज करना है तो अपने हिसाब से यहाँ पे जो आपको रंग चाहिए। तो यहाँ पे देखिए हमें हल्का इसका डार्क टाइप को रखना है इसका चेहरे को, ठीक है। तो यहाँ पे अपने हिसाब से यहाँ पे एडजस्ट कर लीजिए, देखिए यहाँ पे देख देख के। उसके बाद देखिए यहाँ पे हल्का और इसको मैं यहाँ पे कम करता हूँ, बहुत ज़्यादा हो गया रेड कलर। तो ये देखिए हमारा अब पहले से बेटर लग रहा है क्योंकि पहले था जो, अब इसको देखिए हल्का और इसको कम किया तो अब देखिए और देखिए यहाँ पे साफ़ हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से जिस प्रकार से आप फुटेज रिकॉर्ड किए उसके हिसाब से आप, बहुत से लोग होते हैं कि जयमाला के समय बहुत सारे लोग रिकॉर्डिंग करते हैं वहाँ पे हल्का ब्लैक हो जाता है जो फुटेज, तो फुटेज को कितने लोग होते हैं कि डायरेक्टली यहाँ पे अपना प्रोजेक्ट अपलोड करते हैं, प्रोजेक्ट यहाँ पे रखते हैं, सिक्वेंस का पेस्ट करते हैं, बस नहीं उसको वाइट करते हैं, काला है तो काला है, वाइट है तो वाइट है, जैसा आपको चेहरा वैसा दे देता है। लेकिन आपको बहुत से लोगों को कलर बैलेंस आता ही नहीं है तो मेकअप क्या करेगा, तो ठीक है। तो आपको अगर इस प्रकार से सीखना है तो देखिए थ्री वेब कलर कलेक्शन, ठीक है। अगर आपको यह सीखना है ना तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। अगर आपको सीखना है तो आप जाकर नीचे जरूर से ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और दोस्तों आप लोग बहुत ही कम शेयर करते हो, मैं देखता हूँ बहुत ही कम लोग क्या यहाँ पे ऐसे 50 आदमी हैं, 50 या 45 आदमी ऐसे हैं जो हमारे चैनल को शेयर करते हैं, लेकिन और कोई आदमी शेयर नहीं करते हैं। सिर्फ 50 या 45 लोगों को ही सीखना है वीडियो मिक्सिंग। अगर मैं यह ट्यूटोरियल आप लोगों के लिए डाल दिया हूँ तो आपको सिर्फ इतना लोगों को ही चाहिए सीखना है, अगर बोल दीजिए तो। हाँ तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक और प्रोजेक्ट आपको सिखाने वाला हूँ, ये देख लीजिए मैं आपको क्या सिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले ये भक्ति सॉन्ग प्रोजेक्ट, मैंने बोला था कि जो जिसको प्रोजेक्ट चाहिए उस कमेंट करके हमें बोल सकते हैं। तो कमेंट का वीडियो बन रहा है दोस्तों, प्रोजेक्ट बनना शुरू हो गया है, ठीक है। जो कमेंट किए थे उनका प्रोजेक्ट बनना शुरू हो गया है। एक तेरा फितूर पर कमेंट किए थे, एक भोजपुरी सॉन्ग प्रोजेक्ट पर, तो भोजपुरी सॉन्ग प्रोजेक्ट भी हो गया है, बस उसको थोड़ा सा रेडी करना है बस, और तेरा फितूर भी रेडी हो गया उसको भी रेडी कर देना है। और एक भक्ति सॉन्ग प्रोजेक्ट मांगे थे तो उनका भी रेडी हो रहा है। तो जैसे ही रेडी हो जाएगा मैं चाहूँगा तो सारे को मैं एक ही बार में प्रोजेक्ट दे दूँगा, नहीं तो मैं एक एक करके दे दूँगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मैं अपने लैपटॉप से आपको रिकॉर्डिंग करके बता रहा हूँ, मैं सिस्टम में नहीं बता रहा हूँ क्योंकि सिस्टम बहुत से लोग होते हैं कि आपको बहुत सारे लोगों के पास, जैसे उनके पास मिक्सिंग सीखना, उनके पास i5 नहीं है, i3 नहीं है, i7 नहीं है, ठीक है, i5 नहीं है, i3 तो सबके पास है, ठीक है। तो अगर आपको Core 2 भी है तो आपको चलेगा। ये मेरा जो लैपटॉप है Core 2 है और ये बहुत ही पुराना लैपटॉप मैंने रखा हुआ है। मैंने यहाँ पे इसको कम से कम तो यहाँ पे 7 वर्ष से यहाँ इसको मैं उपयोग कर रहा हूँ, इस लैपटॉप को। आज तक इस लैपटॉप को यहाँ पे कुछ नहीं है मेरे यहाँ हुआ है। मैं इसको सबसे पहले मैंने यही लैपटॉप लिया था तो ये इसी पे मैं सबसे पहले यहाँ पे PDF 7.2 यहाँ पे मैं इसमें उपयोग करता हूँ हमेशा। नहीं तो पहले मैं यहाँ पे उपयोग करता था फिल्मोरा, तो फिल्मोरा बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगा। फिर मैं उसके बाद पावर डायरेक्टर यूज करता था तो हमको वो भी नहीं अच्छा लगा। तो EDS अब इसमें यूज करता हूँ, ठीक है। तो देखिए मैं इस प्रोजेक्ट को ट्यूटोरियल बना दूंगा, देखिए किस प्रकार से मैं सॉन्ग प्रोजेक्ट बना रहा हूँ। बहुत से लोग तो बहुत से पहले आए थे जो नहीं जानते थे कि किस प्रकार से सॉन्ग बनाना है, किस प्रकार से प्रोजेक्ट बनाना है। अब पहले मैं तो इसका वीडियो अपलोड कर दिया था कि किस प्रकार से सॉन्ग बनाना है, तो मैं फिर से चाहता हूँ कि इसको मैं फिर से रिपीट कर दूँ, ठीक है। तो मैं फिर से इस वीडियो बनाऊँगा इस पर कि किस प्रकार से अपने हल्के छोटे से सिस्टम में एक प्रोजेक्ट आप क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। एकदम नॉर्मल तरीके से आप प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हो बिना i5 बिना i7 के, ठीक है। आप i3 कंप्यूटर है तो आपको i3 से बन जाएगा, अगर आपके पास Core 2 है तो Core 2 से भी बन जाएगा, ठीक है। तो जो लोग को प्रोजेक्ट बनाना सीखना है, प्रोजेक्ट किस प्रकार से बनता है, वीडियो एडिटिंग किस प्रकार से बनता है, पूरे ये ट्यूटोरियल कम से कम आपको ये ट्यूटोरियल आपको पार्ट्स कम से कम तो 30 पार्ट आपको ये वीडियो मिलेगा और 30 पार्ट में आपको वीडियो कम से कम 22 मिनट से ऊपर कराएगा, ठीक है। 22 मिनट 23 मिनट का ऊपर 30 मिनट
30 मिनट तक चल जाएगा, ठीक है। और इसको कम से कम 30 पार्ट रहेगा, ठीक है, 30 पार्ट्स, इसका 30 पार्ट रहेगा आप लोगों को। तो आप लोग इस कमेंट कीजिए, जितने लोगों को सीखना है वीडियो मिक्सिंग, देखते हैं कितने लोगों को वीडियो मिक्सिंग सीखना है शुरू से, किस प्रकार से 3D प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, किस प्रकार से ऑनलाइन सॉन्ग प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, किस प्रकार से ड्रैग एंड ड्रॉप इफेक्ट तैयार करते हैं, किस प्रकार से अल्फा इफेक्ट तैयार करते हैं, किस प्रकार से ट्रांजिशन इफेक्ट तैयार करते हैं, ठीक है। तो ये मैं सारे बता दूंगा, मैं आपको पूरा हाई लेवल से लेकर के लो लेवल से लेकर के मैं हाई लेवल तक आपको बता दूंगा किस प्रकार से आपको एडिटिंग करना है, किस प्रकार से एडिटिंग नहीं करना है, अगर आप लोग सीखना चाहते हो तो। अगर आप लोग सीखना नहीं चाहते हो तो आप नहीं देखो, हमको उससे कोई मतलब नहीं, अपनों ही कमेंट करो। एक बंदे ने तो मुझे कमेंट करके बोल रहा था कि सर, जो मैंने यहाँ पे ग्रीन स्क्रीन वाला वीडियो जो डाला था, अपलोड किया था, तो उससे बोल रहा था कि सर आप अगर ऐसे 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 ऐसा ऐसा डालेगा वीडियो तो मैं आपका चैनल को अनसब्सक्राइब कर दूंगा। तो कोई टेंशन नहीं है, अगर आप लोगों को मन पसंद ना पड़े तो आप अनसब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आपको पसंद ना आए वीडियो तो अनलाइक भी कर सकते हैं, उसके लिए हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि देखिए दोस्तों, इतने सारे लोग हैं तो इतने सारे लोग में से मैं सारे को तो खुश नहीं रख सकता हूँ, ठीक है। 5,000-10,000 लोगों को मैं कैसे खुश रख सकता हूँ, उसमें से 2-5 ऐसे भी होते हैं, 2-5 क्या है, 50-60 ऐसे भी लोग होते हैं जिनको मैं खुश नहीं कर पाऊँगा। क्योंकि सबको खुश करना एक आदमी के लिए आम बात नहीं है, सभी लोग हमसे खुश हो जाएंगे तो फिर कैसे होगा काम। तो कुछ लोग नाराज़ रहेंगे ही, तो उनके लिए आई एम सो सॉरी, जो हमसे नाराज है उनके लिए आई एम सो सॉरी, अगर मुझसे कोई गलती होगी तो मुझसे माफ़ कर दीजिएगा। और हाँ, अब मुझे छुट्टी मिलता तो मैं आपको कमेंट का ज़रूर देता हूँ जवाब। अब आपका प्रोजेक्ट जो आपको कमेंट करके बताते हैं कि ये सर ये प्रोजेक्ट दीजिए, तो मैं प्रोजेक्ट ज़रूर बनाता हूँ। अगर वो 1 महीना लेट बने, 15 दिन लेट बने, 20 दिन लेट बने, जो लेट आपको वेट करना पड़ेगा, अगर कमेंट कह दीजिए तो ये ना मत सोचिए कि 2 से 4 दिन में आपको प्रोजेक्ट बन गया, क्योंकि पहले से लोग कमेंट किए हुए रहते हैं तो उनका प्रोजेक्ट क्रिएट होता रहता है, ठीक है। और यहाँ पर पहले से और नहीं तो जैसे मैं न्यू सॉन्ग गया तो न्यू सॉन्ग मुझे अब ऑटोमेटिक बिना किसी को कमेंट किए हुए बिना मुझे क्रिएट करना पड़ता है, तो उस समय समय लगता है, क्योंकि आप बोले आज तो आज बोलना है, तो कल सोचेगा कि परसों तक हमको प्रोजेक्ट मिलेगा। दोस्तों, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में दबा दीजिए बेल के आइकन को, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले आपको मिल जाए। और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब।